गाइज, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम डोजी कॉइन, XRP, ट्रॉन एंड इथेरियम की बात करेंगे। साथ ही साथ करंट मार्केट सिचुएशन की भी बात करने वाले कि क्या डायरेक्शन हो सकता है, अभी आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा रुक जाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस तरह के रेगुलर वीडियोज इस चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से फॉलो करके रखना, क्योंकि वहाँ पर हम क्रिप्टो की जो भी अपडेट्स रहती वो आपके साथ में तुरंत शेयर करते हैं। कल भी जब BTC का प्राइस अराउंड 49,000 के आसपास था, तब हमने आपको कुछ वार्निंग दी थी कि यहाँ पर बिग वेल्स हैं जो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट डंप हो जाए। तो जिन लोगों ने भी समझा इस पोस्ट को, मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि लोग ज़्यादा ब्लेम करने लग जाते हैं जब हम बोलते हैं कि BTC नीचे जाता और उस टाइम अगर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिग्नल्स दे देते हैं कि यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी हो रही। तो जो समझने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली इस पोस्ट को समझ गए होंगे और इससे वो अपना पोर्टफोलियो सेव कर लिए होंगे, क्योंकि इसके बाद में काफ़ी बड़ा ड्रॉप आया है बिटकॉइन के प्राइस में। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो मेजर कॉइन्स हैं आपके, डोजी कॉइन है, इथेरियम है, XRP है, ट्रॉन है, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम अपडेट बात कर लेते हैं कि डोजी कॉइन के बारे में। टेक्निकली डोजी कॉइन में किसी भी तरह की बाइंग एंट्री नहीं बनती है। आप लोग जो न्यू लोग हैं उनको समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हम टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल पे आपको बार बार बोल रहे हैं कि डोजी कॉइन को अभी के लिए पूरी तरह से भूल जाओ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोमो है और इलोन मस्क यहाँ पर ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। और जो रिसेंट का ट्वीट है, आज का ही ट्वीट है, आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का, जहाँ पर इनके ट्वीट में कुछ कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करना चाह रहे हैं। बट इस ट्वीट के बाद कुछ भी डोजी कॉइन के में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के रेगुलर अगर कोई बंदा ट्वीट करता है, कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी यहां पे ट्वीट करती है, तो उसका जो स्टार्टिंग फेस होता है उसमें ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और धीरे धीरे ये पूरे की तरफ होमो ही खत्म हो जाएगा, इनका ट्वीट का कोई मतलब ही नहीं रहने वाला। तो आज के ट्वीट से कुछ भी इसके डोजी कॉइन के प्राइस में इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है आप लोगों के लिए जो भी डोजी कॉइन के होल्डर हैं। टेक्निकली बात करूँ तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो अप ट्रेंड का सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट $0.061 का, इसको ब्रेक कर दिया है। और ये जो अप ट्रेंड की लाइन है इसको भी यहाँ पर ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है। ये बहुत बड़ा रिस्क लेवल है आपके लिए अगर आप डोजी कॉइन होल्डर हैं। तो देखिए, यहां पर मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जो भी एक्चुअल चीजें हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जो फंडामेंटली मैं बात करूं तो डोजी कॉइन का कोई यूज केस नहीं है। यूज केस किस तरह से होता है, जैसे ट्रॉन हो गया, ट्रॉन का क्या यूज केस है कि ट्रॉन के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ट्रॉन ब्लॉकचेन में, चाहे USDT ट्रांजेक्शन करना हो, कोई भी ट्रॉन ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर आपको TRX के अंदर फीस पे करनी पड़ती है। इसके साथ साथ में पोलोनिक्स एक्सचेंज पे अगर आप ट्रॉन को होल्ड करते हैं, तो वहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन फीस में 20-30% का डिस्काउंट मिलता है। इस तरह से ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई DApp क्रिएट करता है, तो वहाँ पर उसको काफ़ी बड़ी फीस लगती है, वो उसको ट्रॉन के अंदर पे करनी पड़ती है। तो ये एक यूज केस हो गया ट्रॉन का। इसी तरह से रिपल का यूज केस की बात करें तो रिपल का जो पेमेंट ट्रांजेक्शंस होते हैं बैंक्स के अंदर भी इसका यूज केस होता, तो एक यूज केस वाला कॉइन है। तो डोजी कॉइन का इस तरह का कोई भी यूज केस नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक फनी वे के अंदर बना दिया, और यहां पर आप नॉर्मली पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, बस यही इसका यूज केस है। और सप्लाई की बात करें तो इसकी बहुत बड़ी सप्लाई है मार्केट के अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क लेवल है और काफी पुराना कॉइन हो गया। लोग ऐसे कॉइन्स के अंदर अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अभी DeFi का फोमो है, तो ज्यादा क्रेज DeFi का है, तो आप खुद समझ सकते हो कि आप ऐसे कॉइन के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना। और दूसरी सबसे बड़ा चीज आपको सोचने वाली कि ये कॉइन यहां से जब ट्रेड कर रहा है, अभी भी करंट प्राइस से ये 9-10 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो चीज़ ऑलरेडी 10 गुना हो चुकी है उसके अंदर आप टॉप पे एंट्री लेके ये सोच रहे हो। कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे आज मार्केट डाउन आए, तो मैं ग्रुप को मॉनिटर करता हूँ अपने ग्रुप को, तो वहाँ पर लोग ये सोच रहे हैं कि बस अभी 20% डाउन हो गया, अभी डाउन नहीं होगा, अभी अपन बाय कर लेते हैं। मतलब अंधाधुंध आपको वहाँ माइनस में दिख रहा 20%, 30%, यहाँ पर आप देखोगे कि हाँ माइनस के अंदर दिख रहा 18%, बाय कर लेता हूँ, अभी वापस 18% चला जाएगा। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। टेक्निकल हिसाब से चलो, जब एंट्री का पॉइंट कब बनता
का है, यहाँ पर एंट्री का पॉइंट बनेगा अगर ये ऊपर एक्यूमुलेट करता है $0.06 के ऊपर, तो अगेन वापस से अप ट्रेंड में आ सकता है और यहाँ पे प्राइस इसका हो सकता है कि 30-40% ऊपर चला जाए। बट इस वाले रजिस्टेंस से नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है बहुत बड़ा रिस्क लेवल है, और यहाँ पर इसका प्राइस विद इन सेकेंड्स के अंदर, विद इन मिनट्स के अंदर यहाँ पर इसका प्राइस आधा भी हो सकता है करंट प्राइस से। तो आप लोगों को सोचना कि आपको क्या करना, मैं आपको डायरेक्टली कभी भी ये नहीं बोलता, क्योंकि आप लोग इसी वीडियो के नीचे आके हमारे ग्रुप में आकर ये सीधा मुझे ही ब्लेम करोगे कि यार तुमने तो बोला था ये डाउन आएगा और ये ऊपर चला गया, या मैं बोलूंगा कि ये ऊपर जाएगा और ये डाउन आ गया, तो तुम मुझे दोनों साइड में मुझे ही ब्लेम करने वाले हो। तो इससे बेटर ये है कि आप खुद का सेंस लगाओ, जो मार्केट सिचुएशन चल रही है उसको समझो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन दे रहा हूँ, जो चीज़ें हैं फैक्ट है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही साइड में मैं ही फंसने वाला हूँ अगर मैं आपको डायरेक्टली कुछ चीज़ें बताता हूँ। जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं कॉइन्स के ऊपर, जितने भी कॉइन्स मैंने बताए सारे के सारे कॉइन में हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया। यहाँ पर ट्रॉन के अंदर हमने डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। तो अब उसके अंदर अगर आप अब एंट्री ले रहे हो ट्रॉन के अंदर, तो ये तो आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो हमने ऑलरेडी 2x 3x यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर लिया। मैंने जितने भी कॉइन्स बाय किए थे सारे के सारे सेल कर दिए, यहाँ पर कल ही मैं सेल आउट करके मैं आउट हो गया था। बट आप लोगों को ये इसीलिए नहीं बताता हूँ कि आप लोग जैसे ही यहाँ पर मैं आउट होने की बोलता हूँ और अगर थोड़ा सा प्राइस ऊपर चला जाए तो सभी लोग आके हमारे को ब्लेम करने लगते हैं, जिसका रिस्पांस करना बहुत हमारे लिए, हमने 6-7 एडमिन रख रखे हैं, फिर वो भी यहाँ पर कम पड़ जा रहे हैं जब आप लोग हमें ब्लेम करने लग जाते हो, तुमने तो बोला कि यहाँ सेल कर दो वो तो ऊपर चला गया। गाइस यहाँ पर मार्केट है, ऊपर जितना भी जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें जब यहाँ से मुझे यहाँ से ईजिली ट्रॉन के अंदर 3x के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है, मैंने यहाँ पर एंट्री ले रखी थी 0.02 पे, तो मैंने ऑलरेडी मेरे को 3 गुना प्रॉफिट हो गया है, तो मैं आउट हो गया। अब इसका प्राइस चाहे 1000 गुना जाए चाहे 2000 गुना जाए कोई मतलब नहीं, मुझे तो 2-3 गुना प्रॉफिट हो गया। बस इसी चीज़ से आप संतुष्ट रहोगे तभी आप मार्केट के अंदर पैसे कमा पाओगे। अगर आप ऐसे ब्लेम करोगे कि तुमने तो बोला ये डाउन जाएगा और ये तो ऊपर चला गया, तो इस वजह से आप ऐसी चीज़ करोगे तो डेफिनेटली कभी मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसीलिए मैं डायरेक्टली कोई चीज़ें शेयर नहीं करता। आप यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको रोज के ऐसे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो रोज के टॉप 10 टॉप 5 कॉइंस, उनका कोई अता पता नहीं, रोज के 2-2 3-3 वीडियोज बना रहे। अगर आप उसके चक्कर में फंस गए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। मार्केट ऐसे नहीं चलता, अंधाधुंध आप बाइंग करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा, मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से चलता। आप BTC का देख लो, BTC यहां पर कितने जबरदस्त तरीके से लोगों के साथ में खेला है, और जो ट्रेडिंग एनालिसिस होता है उसको प्रॉपर तरीके से आप फॉलो किया करो हर मार्केट के। मार्केट के अंदर कई साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं जिसको आपको प्रॉपर तरीके से मेजर करना पड़ता है। यहाँ पर जो 50K का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट उससे पहले ही मार्केट यहाँ पे डंप हो गया। तो मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है गाइस, कि जो भी न्यू लोग होते हैं, जो भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हाँ 50,000 जाते ही मैं सेल आउट कर दूंगा अपना पोर्टफोलियो, और जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो पहले ही उसको घुमा देते हैं। और कई बार ये होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे कि यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन के लिए तैयार रहते हैं 50K के आसपास लोग, तो क्या करते हैं कि उससे पहले ही मार्केट को घुमा देते हैं, या फिर क्या करते हैं जो वेल्स होते हैं वो उसको पंप करते हैं। लाइक कि 50,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, इसको ऊपर ले जाके 52,000-53,000 पे ले जाके फिर वहां से इसको ड्रॉप करते हैं, जिससे कि जहां पर ये लोग जो भी पैनिक ट्रेडर्स हैं, जैसे कि 50,000 पे जिन्होंने यहां पर शॉर्ट पोजीशन ओपन की, वो घबरा जाएंगे और वो लोग उसको कैंसिल करके लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे कि यार ये तो इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया। उस लेवल पे जैसे ही लोगों को ये लगेगा हाँ ब्रेकआउट हो गया, चारों तरफ बाइंग होगी और वहाँ से तुरंत मार्केट ड्रॉप हो जाएगा। और जो अभी फिलहाल के लिए ये जो चीज़ हुई है, यही साइकोलॉजिकल लेवल से $200-300 नीचे से ही मार्केट घूम गया और यहाँ पे नीचे आ गया। अभी कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं, अभी भी मार्केट बुल ट्रेंड में है जब तक कि 41,000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। जैसे इससे नीचे आएगा तो मे भी यहाँ पर सेल ऑफ हो सकता है, और यहाँ पर अभी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि BTC क्या करने वाला है। आपको देखना चाहिए, वेट करना चाहिए जो भी डेली क्लोजिंग हो रही है उस पर, क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है। अभी के लिए बिल्कुल भी एंटर मत होना। अगर आप फ्रेश मनी लगाना चाह रहे हैं तो वेट कर लो 10-15 दिन, आपको डेफिनेटली एक करेक्शन देखने को मिलेगा और वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। देखिए सब कुछ BTC के ऊपर चल रहा है, जितने भी लार्ज कैप कॉइन आप सबके मुंह घूम चुके हैं ऊपर की तरफ से, देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ BTC में इतना करेक्शन नहीं आया जितना इन कॉइन्स के अंदर डबल करेक्शन आया। कैंडल आप खुद देख सकते कितनी बड़ी
बड़ी बन चुकी है इन कॉइन्स के अंदर। तो आपको ये चीज़ को समझना चाहिए। और जो BTC डोमिनेंस है अल्ट्स कॉइन के अंदर भी एक रेड फ्लैग हो सकता है जब तक कि ये 62 के लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 62 के ऊपर यहाँ पर BTC डोमिनेंस है तब तक यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क लेवल हो सकता है आपके लिए। हो सकता है ये 64 के आसपास भी टच कर ले पे, बट आने वाले टाइम के अंदर ओल्ड सीजन आएगा, बट में भी एक करेक्शन आ सकता है जहाँ पर ये BTC डोमिनेंस 64 जाए और फिर यहाँ से ये ड्रॉप होके 57 के आसपास आए। तो अभी के लिए आप ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आप प्रॉफिट में हो किसी चीज़ में तो डेफिनेटली आपको आउट हो जाना चाहिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पंप हो चुका है। जहाँ पर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम जब तक कि ये 20 डे EMA के ऊपर है तब तक तो बुलिश है, इसके नीचे आता तो डेफिनेटली इसके अंदर बड़ा करेक्शन आ सकता है। फिलहाल के लिए बुलिश है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है कि यहाँ पर ड्रॉप होगा, बट यहाँ पर आपको लेवल को वॉच आउट करना चाहिए। और XRP की बात करें तो XRP भी अभी जो न्यूज़ है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो न्यूज़ का इफेक्ट पड़ना था वो पड़ गया, जो नेगेटिव न्यूज़ का। तो अभी मैं भी अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो ऊपर जा सकता है, बट ये टोटली डिपेंड करेगा BTC के प्राइस पे। और ट्रॉन में तो हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी ले लिया है। ट्रॉन आपको मैं बता दूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है और आपने पहले से बाय कर रखा तो उसको होल्ड कर लो, आपको वो दिक्कत नहीं। आपने काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में हमने बाय कर रखा है तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप टॉप पे बाय करते हो तो फिर मैं आपको कुछ भी यहाँ पर राय नहीं दे सकता है, आपको कोई भी राय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मे बी अगर आपको मैं बोलूँ आपने टॉप एंट्री ली और आप 20% लॉस में और आप सेल कर दो तो उस टाइम अगर पंप हो जाता तो आपको लॉस हो सकता है। तो ये आपको सोचना है, आपको टॉप पे एंट्री नहीं लेनी, ये आपकी आप खुद आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको सोचना है कि आपको क्या करना। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि आपको कभी भी टॉप पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। आप खुद देख लीजिए कि जिन लोगों ने यहाँ पर टॉप पर एंट्री ली है वो 30-30% के यहाँ पर लॉस में आ चुके हैं। तो ऐसी चीज़ें मत करो, आप टॉप पे एंट्री मत लो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट के अंदर डीप बाइंग की। तो जितने भी कॉइन्स हैं अगर आप प्रॉफिट में हो तो स्लोली सेल करते रहो। मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन से पूरी तरह से मार्केट से आउट हो चुका हूँ, कल ही मार्केट से आउट हो चुका हूँ। अभी मैं बिल्कुल भी एंट्री नहीं लूँगा जब तक कि मेरे को परफेक्ट टाइम नहीं लगेगा, और मैं वेट करूँगा चाहे मेरे को एक महीना भी वेट क्यों नहीं करना पड़ जाए। अभी मैं यही वेट करूँगा कि मैं अल्ट्स कॉइन को मॉनिटर कर रहा हूँ, जो भी अच्छे कॉइन्स रहेंगे मैं उसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखूँगा। जैसे अभी मार्केट क्रैश हुआ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक शॉर्ट ट्रेड ली थी ट्रॉन के अंदर यहाँ पर 0.045 के अंदर, और मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर 2-3% में मैंने सेल कर दिया। मैं इस तरह से स्कैल्पिंग करता हूँ जिससे कि मेरे को लॉन्ग होल्ड नहीं करना, मैं शॉर्ट टर्म के अंदर 3-4% 5% प्रॉफिट लेके आउट हो जा रहा हूँ, जिससे मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है और यहाँ पे मार्केट कुछ भी करे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए आप इस तरह से ट्रेड किया करो। आपको हम प्रॉपर तरीके से गाइड करने की भी कोशिश करते हैं, बट नए लोगों को समझाना बिल्कुल भी यहाँ पर इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि कुछ भी नहीं समझ रहे, वो अपनी मर्जी से यहाँ पर अंधाधुंध ट्रेड कर रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा यही बोलूँगा कि मार्केट के अंदर रिसर्च करो, थोड़ा समझो मार्केट को कि मार्केट किस तरह से चलता है, उसके बाद में आप यहां पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये बुल ट्रेंड है। अगर यहां पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता तो आपको कुछ भी नहीं बचने वाला, आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से लूज हो सकता है। इतनी हार्ड अर्न मनी को आप इस तरह से लूज कर दोगे तो फिर आप कभी मार्केट के अंदर नहीं कमा पाओगे, और एट द एंड जाके आप क्रिप्टो करेंसी को ही ब्लेम करोगे कि यहां पर इतना बड़ा ये पंप डंप होता है, इस तरह से होता है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही नहीं, जितने भी मार्केट्स होते हैं उसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप एनालिसिस से ट्रेड करोगे तब कभी आपको लॉस नहीं होगा, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करोगे। क्योंकि जब कॉइन्स ऑलरेडी 5x 10x हो चुके हैं, अगर आप उसके अंदर ये उम्मीद लेके चल रहे हो कि मैं 10x और कमा लूंगा तो वो तो भाई सिर्फ और सिर्फ 1% चांस होते हैं कि किसी का बाय द लक यहां पर काम कर जाए और जो 10 गुना पंप है वो 20 गुना भी हो जाए। तो इन चीजों को समझो और ये सारी के सारी जो एनालिसिस होता है उसको परफेक्टली फॉलो करो। हमारे को टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, हम ट्राई करेंगे आपको एजुकेट करने की, और आपको कोई भी दिक्कत होती तो आप हमारे ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।